मानव निवेदिता। जेएनयू में छात्र कई दिनों से फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रविवार शाम को कुछ नकाबपोश गुंडों ने परिसर में घुसकर मारपीट की, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्रों द्वारा एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। एक पक्ष का कहना है कि इस घटना को एबीवीपी के छात्रों ने अंजाम दिया, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि इसे आईसा के लोगों ने अंजाम दिया है। वहीं अब जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने भी यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाने की मांग भी की। टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि कुलपति ने शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया का मजाक बनाया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कुलपति से इस्तीफे की मांग की गई है। इससे पहले भी छात्र और शिक्षक संगठन एम जगदीश कुमार के कुलपति बनने के बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग करते रहे हैं। 2018 में जेएनयू के शिक्षकों ने कुलपति को हटाने के लिए एक जनमत संग्रह किया, जिसमें जेएनयू के 586 सूचीबद्ध शिक्षकों में से 300 वोट डालने पहुंचे थे। उनमें से 279 ने कुलपति को हटाए जाने के पक्ष में वोट दिया था। आपको बता दें कि एम जगदीश कुमार जब से जेएनयू के वीसी पद पर नियुक्त हुए हैं, तभी से उनका नाता विवादों के साथ जुड़ा रहा है। कभी वो छात्र संगठनों पर अपना घेराव किए जाने का आरोप लगाते हैं, तो कभी कभी छात्र उन पर जेएनयू की साझी संस्कृति नष्ट करने का और छात्र हितों के दोहन का आरोप लगाते हैं। एम जगदीश कुमार ने 2016 में कुलपति का पदभार संभाला और अपनी नियुक्ति के एक सप्ताह बाद ही उन्हें पहले विवाद का सामना तब करना पड़ा जब संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के विरोध में कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ कई छात्रों पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे थे। बाद में पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत कई छात्र नेताओं पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था और विवाद काफी बढ़ गया था। इसके 9 महीने बाद पीएचडी छात्र नजीब अहमद के कैंपस में एबीवीपी से जुड़े छात्रों से हुए कथित झगड़े के बाद 15 अक्टूबर 2016 को वो गायब हो गया। इस मुद्दे पर आए दिन रोज कैंपस के अंदर और बाहर छात्रों का विरोध चलता रहता है। इसके बाद वीसी जगदीश कुमार ने 2017 में एक आदेश जारी कर प्रशासनिक खंड और उसके आसपास विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। छात्रों ने वीसी के इस आदेश का भी कड़ा विरोध किया था। इसके बाद उनके कार्यालय में कई बार तालाबंदी हुई, जिसमें एक बार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी 5 घंटे तक फंसे रहे। वहीं रविवार शाम को परिसर में घटी घटना ने एक बार फिर उनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, जेएनयू के कुलपति का पदभार संभालने से पहले जगदीश कुमार दिल्ली आईआईटी में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। यहां ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर थे। इन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई आईआईटी मद्रास के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग से वाटरलो ओंटेरियो कनाडा के प्रोफेसर रॉल्स्टन के अंतर्गत साल 1991 से 1994 में पूरी की। जगदीश कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग 2001-2006 तक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जगदीश कुमार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष भी रहे हैं और साल 2010-11 में दिल्ली में गेट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएनयू में हुई हिंसा के बाद 6 जनवरी को जेएनयू के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जेएनयू के अधिकारियों ने हिंसा के संबंध में एचआरडी मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट, लेकिन वीसी जगदीश कुमार ने अपने आप को इस बैठक से दूर ही रखा।